बहुत अच्छी लगती है मुझे। बिग बॉस राखी सावंत तो भाग्यशाली भैया का मतलब ये होता है जिसके गिल्टी वर्ड जो है वो यूट्यूब तो जी आज का व्लॉग जो है वो है रिएक्शन पर। तो हम आज आप लोगों को बताए तो देंगे। हाँ तो आज का व्लॉग है बिग बॉस पर। बिग बॉस तो मैं सच बताऊं तो मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही क्योंकि सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे। सलमान खान मेरी जान है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा मानना ये है अगर सलमान खान होस्ट नहीं करता तो सीजन फ्लॉप होता है। एज यूजुअल आप लोग देख सकते हैं कि ये सीजन फ्लॉप हो रहा है क्योंकि सलमान खान होस्ट नहीं कर रहा। पर फिर भी आज हम रिएक्शन क्यों देंगे क्योंकि हमने जो अभी अभी सीन हुआ है विशाल अरमान कृतिका का वो फॉलो किया है, तब से हम एपिसोड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तब से मैं नहीं कर रही ये कर तो हाँ मैं कर रही हूँ और मैं देखती हूँ रील्स वगैरह पर। तो मेरे पास भी ऐसे रील्स वगैरह आई, उसके बाद मैंने फॉलो किया तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को ओपिनियन दूं कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे ओपिनियन अलग हो सकता है, इसका ओपिनियन अलग हो सकता है। जैसे कि फाइव फिंगर से हर एक का शेप डिफरेंट, शेप डिफरेंट। अरे कहना क्या चाहते हो, साइज डिफरेंट है। तो ऐसे ही हर एक इंसान की जो ओपिनियंस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो खैर इट्स ओके। तो हाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगी, ये अपना ओपिनियन देंगी, तो फिर बताएंगे हम आप लोगों की हमें कौन सही लग रहा है विशाल अरमान कृतिका और कौन गलत लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं और आप भी बताना, और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को कौन सही लग रहा है और कौन गलत लग रहा है। देख रहे हो या नहीं देख रहे? हाँ आप लोग फॉलो कर रहे हो, आप लोग बिग बॉस देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ये भी फर्स्ट हम क्लिप देख रहे हैं, फर्स्ट क्लिप देख रहे हैं जहाँ पर उसकी विशाल की जो देखते है ना बस बड़े हरामी हो बेटा। हाँ आप पहले देखते हैं उसके बाद में बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। वो इंसान झुटला में बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है लेकिन मैंने इस पे तो नहीं बोला था कि वो गलत वे में। मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। वेक अप टू रियलिटी, बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते अच्छे वे में बोला मैंने। विशाल क्या कर रहे तू? कैन यू काम डाउन, रिलैक्स विशाल, आराम से रिलैक्स है यार, आराम से उसको संभाल लिया। बिल्कुल बायस। बिल्कुल बिग बॉस वालों की गलती है कि वो अपना ओपिनियन दो उसके बाद में इतना देते हैं। मेरा यही है कि विशाल जो है वो अपनी जगह सही है और जो पायल और कृतिका अरमान है वो भी अपनी जगह सही है। मुझे लगे मतलब देखो उसने डिफाइन करो, हाँ बता रही हूँ ना मतलब जी अरमान जी पायल है, जो पायल है वो बाहर गई ठीक है, उसकी जो अब फ्रेंड्स फैमिली तो है ना, तो उसके बारे में कोई लड़का बोले ये सुंदर है, मुझे गिल्टी वर्ड यूज नहीं करता तो मतलब सही है। उसने गिल्टी वर्ड यूज किया है तो मतलब बिल्कुल गलत है। मैं होती तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, गिल्टी मुझे फील हो रहा है और मुझे अच्छी मतलब सुंदर लग, ये सेंटेंस से मुझे सुंदर लगती है लेकिन गिल्टी फील मतलब गिल्टी वर्ड जो है वो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी है जहां पर विशाल जो है कृतिका को फेस पर भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आए कि आप बिना विदाउट मेकअप भी बहुत सुंदर लगती हो। सुंदर इज नॉट अ गाली, सुंदर जो किसी को अगर हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरिड अगर वुमेन जो है उनको कॉम्प्लीमेंट देना गाली नहीं होता। अगर कोई हमको सुंदर लगती है उसके मुझे तो लगता है विशाल की आंखों का धोखा है जो उसने उसको सुंदर बोल लिया और अरमान को इस बात पर गुस्सा आया होगा कि अरे मेरे वाइफ को इसने सुंदर कैसे बोल लिया। तो अजीब साइको है साइको अरमान और उसकी वाइफ जो पायल है वो तो उससे भी बड़ी साइको है जिसने जो उसकी कमेंट है उसको घुमा फिरा कर अपनी बातों में मुझे भाभी बहुत पसंद है तो कुछ ऐसे ही बोला था उसने। बट विशाल ने बोला था भाभी मुझे सुंदर लगती है और गिल्टी में इसीलिए हूँ, गिल्टी वर्ड उसने इसलिए यूज किया था कि उसे पता था अगर मैं ये बोलूंगा तो हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी ही है, अगर
हम बोलते हैं अगर जो मेल है खास करके वो किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है तो सोच सोच की बात है, उसने नैरो माइंडेड जो सोच होती है ना वही बात हो गई यहाँ पर कि उन लोगों ने वो गलत में ले लिया कि हाय सुंदर कैसे बोलिया, इसकी इंटेंशन गलत है, इसकी नजर गंदी है। हालांकि वो उसे गंदी नजर से नहीं देख रहा था और अरमान को अरमान के इसीलिए सेकंड जो क्लिप थी जिसमें वो जिम के कपड़े पहने हुए थे और वो लव को बोल रहा था कि भाग्यशाली भैया, तो भाग्यशाली भैया का मतलब ये होता है जिसके पास दो दो बीवियां हो वो भी उसकी खुद की शक्ल भैंस जैसी है और भाभियां सुंदर सुंदर, तो इसीलिए उसने बोल दिया कि कितना भाग्यशाली है, खुद की शक्ल अच्छी नहीं है फिर भी इतनी अच्छी अच्छी वाइफ्स मिली है उसे, तो इसीलिए उसका कॉम्प्लीमेंट ये था। तो विशाल तुम्हारी ये गलती है कि तुमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया और उनकी तारीफ कर दी जो कि बिल्कुल गलत थी, उनको हाजिर नहीं हुई तारीफ। तो बिग बॉस में वॉयलेंस इज क्राइम, बाहर भी क्राइम ही होता है पर अंदर बिग बॉस में अलो ही नहीं है ये, तो पता नहीं बिग बॉस को क्या सूझी है बिग बॉस का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने इस चीज को कैसे डिफाइन कर लिया कि नहीं ये ठीक थी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत थी और विशाल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और मैं विशाल के ही विशाल साथ ने एक दफा बोला था कृतिका को सुंदर लगती हो भाभी, मुझे तुम मेरी फेवरेट हो, फेवरेट हो, एक बार बोला दो बार बोला, तुम्हें क्या करोगे भाई बार बार बोलो। अगर किसी को तुम देखो कृतिका जो थी वो विशाल की एज अ ब्रदर बोलो या जो भी बोलो वो उसकी सबकी केयर करती है, खाना देती है, तो तुम मेरे केयर करो तुम मुझे अच्छी लगोगी, ठीक है। मैं जो मेरी केयर करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी ना, मैं बोलूंगी ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरा ख्याल रखती है, ये इतनी अच्छी है, तो तारीफ जो है वो दिल से आती है। तो विशाल ने भी यही गलती कर दी, कृतिका जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रही थी और उसको ये चीज अच्छी लग रही थी कि घर में कोई जो मेंबर है वो मेरी इतनी केयर कर रहा है एज अ रियल भाभी, तो उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। जो ये सोच रहे हैं लोग तो उनकी जो माइंड है वो नैरो माइंडेड है तभी वो ऐसा सोच रहे हैं, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है, मुझे मतलब विशाल गलत नहीं लगता, मतलब गलत भी नहीं लगता, मतलब सही भी नहीं लगता, मुझे ये है कि सही भी नहीं गलत भी नहीं, भाई गलती है दोनों की गलती है, उसने मारा थप्पड़ तुम्हें और तुमने जो बोलना था वो बोल दिया। मुझे तो विशाल पर बहुत तरस आ रही थी, मुझे थोड़ा मतलब पागल मतलब पागल मतलब पागल मुझे जो मूवी है बहुत दिनों से अच्छा लगता है, तो हम बात पर उससे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बिग बॉस की टेक्निक बताती हूँ, हर एक बिग बॉस में जैसे ये होकर आई हाँ तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ बिग बॉस को, बहुत देखती हूँ, तो इसीलिए मुझे बिग बॉस की टेक्निक्स पता है, आई एम अ मास्टर माइंड। तो मैं आप लोगों को बिग बॉस की टेक्निक बताती हूँ जो विकास गुप्ता की बहन है इस्टार। तो गाइस अभी इसे इग्नोर करते हैं जो ओके गाइस बस एक काम करें, इसका एक्सेस निकाल कर और विकास गुप्ता का एक्सेस निकाल कर तो गाइस बिग बॉस में ऐसा होता है हर वीकेंड के वार पर जिसे टारगेट किया जाता है उसे बाहर पब्लिक उतना ज्यादा पसंद करती है और उतना ज्यादा उससे प्यार मिलता है। तो बिग बॉस की यही टेक्निक है कि जैसे कि मनीषा रानी को हर एक वीकेंड के वार पर टारगेट किया जाता था, उसे इतना बोलते थे तो वहां पर उसकी ऑडियंस जो है इंक्रीज होती थी, वैसे ही मुझे लगता है जैसे कि विशाल और सना मकबूल है उन दोनों को हर वीकेंड की बात पर बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो बिग बॉस की यही टेक्निक है उन लोगों की ऑडियंस को इंक्रीज करना और उन लोगों को उन दोनों को और इन लोगों को पता होता है ऐसा ही होने वाला है, होने वाला है, तो उनको फैन भी ज्यादा ही मिलता है, मुझे मेरे ख्याल से यही है। तो आज का व्लॉग यही पर खत्म होता है जो हमने रिएक्शन दिए, तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि बहुत बोरिंग बिग बॉस आया है, वर्स्ट बिग बॉस एवर, क्योंकि सलमान देख रही हो फिर भी
क्योंकि फिर भी देख रही है क्योंकि ये सीन ना बोलकर जहाँ लड़ाइयाँ होती है वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ता है देखती हूँ मुझे मजा आता है जब भी लड़ाई होती है। राखी सावंत वो भी ऐसी है ना ओके गाइस सो अभी खत्म नहीं हो चुका ओके गाइस सो मेरा लास्ट में यही है कि बिग बॉस जो ये है वो फ्लॉप है मुझे सलमान मेरा फेवरेट है इसलिए मुझे सलमान खान एज अ होस्ट चाहिए ये मेरा ऑर्डर है कि सलमान खान नेक्स्ट बिग बॉस में एज अ होस्ट होना ही चाहिए ना कि बड़ा पीएम वाली गर्ल के जैसे ऐसे कि ऐसे तो मैं भी ठेला लगाकर बैठ जाऊं मुझे पाकिस्तान से बुलाओ वहां पर बिग बॉस में मैं इतनी बड़ी फैन हूं मैं वहां पर बहुत अच्छा झगड़ा कर सकती हूं मैं लोगों के बाल भी नोच सकती हूं मैं लोगों को मार भी सकती हूं मुझे सिर्फ बिग बॉस एक चांस चाहिए मुझे प्लीज बुलाओ ओके बिग बॉस यार पसीना देखो बैठती हूँ ये बिग बॉस की बातें कर ओके गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और भी ज्यादा दें और अगर आप लोगों को और भी रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट व्लॉग किस पर बनाएं कौन सी रिएक्शन वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेल आइकन को दबाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइक करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट करना तो जान पर बनाई ऐसी है बात तो अलाफ।